बात आती है, अधिकतर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं, कॉरपोरेशन भी पिछले 10 वर्षों से कांग्रेस पार्टी का ना मेयर था ना डिप्टी मेयर था। तो एक तरह से मैं समझता हूं कि पिछले कई दशकों का जो एक इतिहास इस चुनाव के माध्यम से हार हुई है उसको नहीं बचा पा रहे। हालांकि जब विधानसभा के इलेक्शन भी थे उस वक्त की बड़ी बड़ी बातें हुआ करती थी कि हम 25 साल के लिए आगे हैं, 40 साल के लिए आगे हैं। अंत में तो उत्साह इतना बढ़ गया था कि हम तो 50 साल के लिए हमारी सरकार सत्ता में आ चुकी है, लेकिन किस तरह से मिशन रिपीट डिफीट में तब्दील हुआ वो आपके सामने है। ये अवश्य हो सकता है कि ये ऑर्गेनिक जीत तो थी, लेकिन हमारे प्रतिपक्ष के साथियों के लिए ये नीम कोटेड उर्वरक मैं समझता हूँ वो इसको बचा नहीं पा रहे हैं, वो उसको बचा नहीं पा रहे कि किस तरह से। हालांकि इन्होंने मोदी जी का नाम लिया, अनुराग ठाकुर जी जो इनके राष्ट्रीय स्तर पे वरिष्ठ नेता है, केंद्र के मंत्री है, उन पर को यहाँ पर मैं समझता हूँ चुनाव अभियान में उनको भी सम्मिलित किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। और जहाँ ये 5 महीने जो वर्तमान सरकार के हुए हैं वो तो निश्चित रूप में आपके सामने है, चाहे कर्मचारी वर्ग की बात हो, किसानों बागवानों की बात हो, चाहे वो महिलाओं की बात हो, पूरे हिमाचल प्रदेश का सर्वत्र विकास हो, इसी मूल मंत्र के साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आगे अपना कार्य कर रहे हैं और आगामी 5 वर्ष में भी यही मैं समझता हूँ क्रम चला रहेगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस दिन वोटिंग हो रही थी, यानी मैं समझता हूँ जब आपकी वोटिंग आपकी थी उससे पहले ही जब राजीव बिंदल जी ने अपना कार्यभार संभाला था उस दिन भी आप उनकी स्टेटमेंट देखी होगी, उन तो स्पष्ट रूप में कह दिया था कि मेरा तो जो ये नॉमिनेशन हुआ है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में वो तो 2024 के संबंधित हुआ है, 2024 को देखकर हुआ है। एक तरह से इस वक्त उन्होंने हार मान ली थी, सुरेश जी तो शायद उनका तो उपचार भी चल रहा था उस दौरान। तो मैं समझता हूँ ये जो जनादेश मिला है ये स्पष्ट जनादेश मिला है, और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल भी कहा, जुहान साहब ने कहा, हम पर और जिम्मेवारी पड़ी है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम पूरी निष्ठा के साथ समर्पण के साथ अपने प्रदेश का मैं समझता हूँ सेवा करें, यहाँ की जनता जनार्दन की सेवा करें, जो हमने वादे किए हैं उसको धरातल पे लाए, प्रदेश के आय के साधन बढ़े, जो वर्तमान में एक तरह से मैं समझता हूँ एक कर्ज के चक्कर में हमारा प्रदेश फंसा है, हमारा रिसोर्स मोबिलाइजेशन हो जिसके लिए हमने शुरुआती दौर में ही कदम उठा दिए है। हमने पुनः अपनी शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की समझ जनता जनार्दन का पुनः जो एक तरह से मिनी हिमाचल है, जैसे चौहान साहब ने कहा पूरे प्रदेश के वासी यहाँ पर रहते हैं, वहाँ का यहाँ के समस्त जनता जनार्दन का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। अपने जो हमारे तीनों विधायक थे यहाँ से, चाहे जनाट्टा जी हमारे 2 मंत्री है, उन्होंने भरपूर कार्य किया, ये उनको भी बधाई देता हूँ, और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं का जिनके संघर्ष और परिश्रम से ये जीत हुई है। मैं पुनः सभी अपने पत्रकार मंत्रियों का धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ और जनाट्टा जी से भी चाहूंगा कि वो भी दो शब्द बोले। यहाँ पे हमारे दोनों सीनियर लीडर्स जवान साहब और ठाकुर साहब बैठे हैं, और मैं आप लोगों का सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे जैसे कि अभी कहा गया कि छुट्टी के दिन भी आप यहाँ पे आए हैं, थैंक यू। बाकी जो हमारे डील और कांग्रेस पार्टी के जो पॉलिसीज है उसके बारे में दोनों सीनियर लीडर्स ने बात की है, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली इन इलेक्शन पे बात करना चाहूंगा क्योंकि सभी ने काम किया है, सभी का धन्यवाद करते हैं, कार्यकर्ता सबने इसमें प्रयास किया है। आखिर के इसमें जो अभी आपने ठाकुर साहब जयराम जी ने कहा कि ये ऑर्गेनिक जीत, हम ये कहना चाहते हैं कि हम बाकी ऑर्गेनिक जीत की तरफ जा रहे थे, पर उसमें बीच में पूर्व में रहेंगे के बच्चे को शराब के साथ पकड़ा है, और वो एक्चुअली जो क्वांटिटी थी वो काफी बड़ी क्वांटिटी थी, लेकिन वो इधर उधर उन्होंने टाइमली उनको मैसेज मिल गया था कि पुलिस ने नाके लगे हैं, और इसी तरीके से कई वार्डों में, क्योंकि उस दिन हमारी पूरी टीम पूरी कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता थे वो सारी रात वार्ड में थे, 2 दिन रात से, इनफैक्ट 1 की रात को, 30 की रात को और 29 की रात को, तो बहुत कुछ हुआ है यहाँ पे।
जयराम जी को ये है कि ऑर्गेनिक जो जीप लोग बोल रहे हैं वो मांगने को तैयार नहीं है इसका, क्योंकि उसमें जो केमिकल मिलाया गया है जिसे मैं कहता हूँ पैसे के रूप में और शराब के रूप में जो उन्होंने किया वो ठीक बोल रहे कि ऑर्गेनिक जीप नहीं है, लेकिन जितना पैसा दिया गया है मैं सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहता हूँ उसके बावजूद आप लोगों ने हमारा सपोर्ट किया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ 34 के 34 वार्ड के लोगों का, आप लोग उनके भाव नहीं आए हैं, उनके करोड़ों के हिसाब से जो पैसा गया और शराब जिसे कहते हैं ट्रकों के हिसाब से जो बांटी गई है वो उनकी अपनी गलती थी, लोगों ने अपना मूड बना लिया था, अगर उन्होंने पिछले 5 साल में कार्य किए होते तो आज ये नौबत नहीं आती कि आप पैसे और शराब के साथ किसी के साथ अच्छा नहीं बोलेगा, किसी ने किसी के साथ कोई जिसे कहते हैं जोर जब्ती नहीं की और एवरीथिंग वेंट आउट वेरी पीसफुल, और मैं एडमिनिस्ट्रेशन का खास करके पुलिस का और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन लोगों ने भी पूरी मदद की है कि ये इलेक्शन बहुत पीसफुल ले जाए, मैं आप लोगों का एक बार बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर दो सवाल हैं, एक तो जो जयराम ठाकुर कह रहे हैं ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर ऑफ वोटर उसको डिस्टर्ब किया गया है, उनका आरोप है कि कुछ ऐसे कांग्रेसमैन लाए गए अक्रॉस द स्टेट से जिनको वहाँ है वोटर रजिस्टर किया गया, उन्होंने वोट डाले हैं, अगले 5 साल वो शिमला में नहीं गए, एक साल। दूसरा आपने कहा है वो मोदी वर्सेस सुखविंदर सिंह सुक्खू, तो आप कहते हैं कि ये मोदी की हार हुई है? देखो जो पहला इशू है शिमला जो है वो हिमाचल की राजधानी और सभी जिले के लोग इसमें रहते हैं, अब वोट तो कोई भी बना सकता है, क्या कांग्रेस, अगर भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस ने वोट बनाए तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वोट नहीं बनाए? अपना वोट तो दोनों साइड से लोग जो है आम जनता और सभी लोग बनाते हैं, और वोट्स का जो नए वोट्स बने हैं दैट इज नॉट इवन आई थिंक 5-6% ऑफ व्हाट इज द टोटल इलेक्टोर, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? वोट्स तो सभी हर व्यक्ति का अधिकार है वोट बनाना, किसने वोट, वोटर ने किसने वोट बनाया है उस पर कोई भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी का लेबल थोड़ी लगा होता है। अब ये जो चुनाव हुआ है, आपका दूसरा प्रश्न जो है ये तो बीजेपी की जो लीडरशिप है हिमाचल प्रदेश में इट इज फेल्ड, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी है, ही इज फेल्ड थ्राइस, बीजेपी प्रेसिडेंट जो है वो उसको विद इन जब चुनाव प्रचार चल रहा था उसके बीच में भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदलना पड़ा, ऐसी क्या मजबूरी थी उनको? मुझे ऐसा लगता है राष्ट्रीय स्तर पे इनको महसूस हो गया था कि शिमला नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की हार होने जा रही है, अगर अगर इनको ऐसा नहीं होता तो व्हाई डिड दे चेंज, क्या ये एक हफ्ते वेट नहीं कर सकते थे? मगर इनको ऐसा आभास था, और निश्चित रूप से बीजेपी की स्टेट लीडरशिप फेल हो चुकी है, दे आर नॉट एक्सेप्टेबल बाई एनीवन। अब मोदी जी के आधार पे वोट मांग रहे थे ये, मोदी जी के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे, मोदी जी ने कि जी स्मार्ट सिटी के पैसे मोदी जी ने भेज दिए, कहाँ से मोदी जी ने भेजे? वो स्मार्ट सिटी का जो शुरुआत हुई थी वो तो पूर्व की कांग्रेस सरकार में, उस वक्त कांग्रेस की सरकार वीरभद्र सिंह जी के समय में हुई थी, एंड दे कुड नॉट इवन स्पेंड द मनी जो कि टाइम ऑन में खर्च होना था स्मार्ट सिटी का पैसा, वो इसको उसी का परिणाम जो ये परिणाम कल आए है उसी का परिणाम है, दे हैव थ्रोन आउट द भारतीय जनता पार्टी। दूसरी बात ये, अब ये हमने हमारी सरकार में शिमला नगर निगम शिमला शहर में कंजेशन है, ट्रैफिक की कंजेशन है, हमारी कांग्रेस की सरकार जो उसमें आया हुआ प्रावधान है, आपने कहाँ भेजा? आपने शिमला नगर में जो है पीने की पानी की स्कीम के ऊपर लेबल चिपकाने की उन्होंने कोशिश की है, मगर इनकी बात को नगर निगम शिमला की जनता ने नकार दिया है, इट इज अ क्लियर वर्डिक्ट। और मेरा भारतीय जनता पार्टी के अपने लोगों से मेरा अनुरोध और निवेदन है कि आप इस सरकार में सहयोग करें, ऑपोजिशन एक विरोध का रोल ना अदा करके एक पॉजिटिव रोल अदा करें। आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी के लोग तो हिमाचल प्रदेश में फैला रहे थे कि नगर निगम चुनाव के बाद हिमाचल की सरकार बदल जाएगी, सरकार गिर जाएगी। मैं आज पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, हम तो पहले से कह रहे हैं
ऑपरेशन लोटस जिस दिन विधानसभा के चुनाव का परिणाम निकला उस दिन से कह रहे हैं ऑपरेशन लोटस ऑपरेशन लोटस, सरकार कुछ दिन की मेहमान है। आज मैं इनसे फिर पूछना चाहता हूँ कि आपका ऑपरेशन लोटस और सरकार को गिराने के लिए जो भी कोशिश आप कर सकते हैं, आज सरकार हिमाचल सरकार ने जो है हिमाचल सरकार जो है मजबूती से आगे बढ़ रही है और पूरे 5 साल का कार्यकाल जो है ये कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है पूरी करेगी। सर, आई हैव अ क्वेश्चन, सिंस जनाता जी ने क्लेम करा है कि अपना चुनाव बहुत मात्रा में बांटी गई और बनी पार्टी की एनडीआर टू, एनी कंप्लेंट वाज मेड टू इलेक्शन कमीशन या पार्टी इन पास? ये सर, ये कंप्लेंट्स भी हुई है, इलेक्शन कमीशन को भी हुई है, कंसर्न अथॉरिटीज को भी कंप्लेंट्स दी है। एंड आपके आपको खुद ही इस चीज का जानकारी होगी कि जो इंसिडेंट हुए कि यहाँ पे शराब भी पकड़ा गया है, और एंड मैं इसलिए बोल रहा हूँ इस बात को कि यहाँ पे लोगों ने रिकॉर्ड भी करके रखा है कि किस कहाँ कहाँ पे कितना पैसा दिया गया है, और खुद इनके इन्हीं के वर्क पर उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पे इतना पैसा बांटा है और यहाँ पे इतना पैसा बांटा है। वक्त आने पर जरूरत पड़ेगी तो मैं वो रिकॉर्डिंग आपको दे दूँ। नहीं, इसमें एक और बात मैं गौरव जी आपको कहना चाहूंगा, वो प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास राष्ट्रीय स्तर से लेकर के स्टेट लेवल में और जिले स्तर पे हम भारतीय जनता पार्टी को इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मसल पावर, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, वी कैन नॉट मैच देम। मगर एक हिमाचल प्रदेश की जनता को बधाई है, शिमला नगर निगम के लोगों को बधाई है कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में इन चीज़ों का इस्तेमाल करती है, और हिमाचल की जनता ने और नगर निगम की शिमला की जनता ने एक बार भारतीय जनता पार्टी की जो हथकंडे अपनाते हैं, शराब बांटने का काम है, पैसे बांटने का काम है, डराने धमकाने का काम है, एक बार फिर हिमाचल प्रदेश की जनता ने इस जो ये टैक्टिक्स और ये धन ये अपनाते हैं उसको बहुत बुरी तरह से नकार दिया है। ये एक क्लियर कट संदेश है कि आपको हिमाचल की जनता पढ़ी लिखी समझदार है और आपके काम के आधार पे, कार्य प्रणाली के आधार पे जो है हिमाचल प्रदेश की जनता जो है वोट देती है। एक बार ये तीसरी बार हिमाचल की जनता ने साबित कर दिया। ये तो अभी तो नहीं है, तो इट इज फॉर द चीफ की ड्यूटी लगी है, तो विल बी कमिंग आफ्टर 12th। कल एक बीजेपी का प्रेस नोट आया, उसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री जो है नादौन में भूपल वार्ड है, वहां पर एक कैंडिडेट के चुनाव होते हैं, वो पार्टी सिंबल पे नहीं होते हैं, पार्टी सिंबल पे नहीं होते हैं, तो इसमें तो अपनी यारी दोस्ती रिश्तेदारी खाना खाना बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और फिर पॉलिटिकल लेवल के लोग, हम लोग जो विशेष करके जो हायर लेवल के लोग हैं वो इन चीज़ों में इंडल्ज ही नहीं करते, क्योंकि जो फैसला करते हैं वो अपने लेवल पे करते हैं। नगर निगम का जो चुनाव वो तो पार्टी सिंबल पे हुआ है, लोगों ने वोट कांग्रेस को दिया या बीजेपी को दिया, पार्टी सिंबल पे हुआ है, तो मुझे नहीं लगता है पंचायतों के जो चुनाव है बहुत छोटे स्तर के चुनाव होते हैं और बड़े लेवल के लीडर्स में इंटरफेयर नहीं करते। सर, आपने कहा कि अभी कांग्रेस ने जो थर्ड टाइम की गेन की है पिछले 2 सालों में, तो व्हाट इज वर्किंग फॉर कांग्रेस इन हिमाचल, बिकॉज इन अदर स्टेट इट इज फाइंडिंग वेरी डिफिकल्ट टू बीजेपी। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस में, एक तो कांग्रेस पार्टी यूनाइटेड है, कांग्रेस पार्टी में इंटरनल फाइटिंग नहीं है, और हम कांग्रेस पार्टी में जो है न्यू फेसेस को इंट्रोड्यूस किया है, और कांग्रेस के जो लीडरशिप रही है वो टेस्टेड लोग हैं। आज आप मंत्रिमंडल में, मैं नाम नहीं गिनना चाहूंगा, मगर मंत्रिमंडल में आज नौजवानों की टीम है, ईमानदार लोगों की टीम है, जिनकी अच्छी छवि है और उनकी कार्यप्रणाली जो है वो ठीक रही है, और हम जो है हिमाचल प्रदेश में, ऐसे कि पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार का सरकार में नंगा नाच किया हुआ, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब आप कंपैरिजन, अगर उस लेवल से कंपैरिजन करें, आज 5 कोई भ्रष्टाचार या कोई ऐसी उंगली किसी के प्रति है, और क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री